हेलो फ्रेंड्स, दिस डॉक्टर अभिलाष मोदी। आई वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर मोदीज मोटिवेशनल ढाबा। आज का जो पॉइंट है वो क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में दो दुनियाएं हैं, एक वो दुनिया जो भगवान ने बनाई और एक वो दुनिया जो इंसान ने पर्सनल खुद के अकॉर्डिंग बना दी और उसे वो दुनिया कहते हैं। इसमें हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे दादा दादी हो सकते हैं, हमारे बड़े हो सकते हैं, और हर वो इंसान हो सकता है जो कह रहा है कि मैं आपकी दुनिया का पार्ट हूं। अगर आपने कुछ अलग करने की ट्राई करी तो मैं दुनिया बनकर आपको परेशान करने आ जाऊंगा। वो दुनिया जिसका एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स लेते हुए नहीं सकते कि बेटा अगर तूने ऐसा कर दिया तो मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दुनिया क्या कहेगी। बेटा अगर तूने ऐसा सब्जेक्ट ले लिया, अगर तेरे 82% है और अगर तूने 8 सब्जेक्ट ले लिया तो दुनिया क्या कहेगी। अगर बेटा तूने सीए ले लिया और तू अगर पास नहीं हुआ दो बार में तो दुनिया क्या कहेगी। अगर बेटा तू डांस करने वाला कोरियोग्राफर बन गया तो दुनिया क्या कहेगी। ये जो दुनिया है ये है कौन यार, पता तो चले ये दुनिया कौन है, समझते हैं। जैसा मैं बता रहा था, पूरे संसार में एक और संसार बसा हुआ है, सबका पर्सनल संसार होना चाहिए, परिवार पर्सनल संसार होना चाहिए। पर ऐसी दुनिया का क्या मतलब जो हमें जीने ही नहीं दे रही है। बच्चों के सपने मर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स से नफरत कर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स से तो नफरत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं पेरेंट्स भी बच्चों से नफरत कर रहे हैं कि ये डॉक्टर नहीं बना क्योंकि मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, मैं नहीं बना, इसको तो बनना चाहिए था। अरे क्यों यार, क्या आपके सपने आपके हैं तो उनके सपने उनके नहीं। हो सकता आपके पेरेंट्स चाहते थे, मतलब उस बच्चे के दादा दादी चाहते थे कि आप अकाउंटेंट बने, पर आप तो नहीं बने, आप तो कुछ और बने, आप तो सेल्स मैनेजर बने। इस चीज को समझना पड़ेगा। ये केवल ऐसा नहीं है, मैं केवल पेरेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हर उस इंसान के बारे में जिन्होंने अपने मन की आवाज को सुनने को नहीं गवारा किया और उन लोगों ने दुनिया के चक्कर में इस दुनिया में कोई नाम रोशन नहीं किया। समझो इस चीज को। अगर आप दुनिया के चक्कर में दुनिया में नाम रोशन नहीं कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हो। जब भी कभी पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा दुनिया क्या कहेगी, या कभी भी वो किसी को कहते हैं बेटा दुनिया क्या कहेगी, या कभी भी आपको कोई कहता है बेटा ऐसा मत कर, तेरे मन की आवाज आ रही है, तेरे को इस चीज में इंटरेस्ट है पर दुनिया क्या कहेगी, तो एक बार के लिए प्लीज सोचें क्या वो सही हैं। अगर आपको लगता है कि वो सही हैं, उनके लिए दुनिया वास्तविकता में कोई मतलब है उस चीज का। जैसे आप पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं है पर चूंकि आपके दोस्त सीए कर रहे हैं तो मैं भी सीए करूंगा, तो वहां तो पेरेंट्स सही है कि बेटा दुनिया क्या कहेगी। पर आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट है किसी चीज में पर पेरेंट्स आपको नहीं करवाना चाह रहे हैं, वहां पर प्रोटेस्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं अंग्रेजी मत झाड़, तो इंग्लिश कोर्स कर रहा है तो मेरे माते है क्या, तो मैं क्या करूं। वहां पर प्रोटेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को बोलो, पेरेंट्स क्या आपका पैसा नहीं लग रहा, पेरेंट्स का मेरा टाइम नहीं लग रहा। अगर आपका बच्चा इंग्लिश बोलेगा आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप छोटा सा सपोर्ट नहीं कर सकते। वहां प्रोटेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पर अगर वो बोलते बेटा दुनिया क्या कहेगी, तू ऐसे बात कर रहा है मुझसे, तो भाड़ में गई दुनिया, मुझे नहीं मतलब ऐसे दुनिया से, मुझे मेरा काम करना है। तो वहां दुनिया को आपको कैसे भी करके बहिष्कार करना पड़ेगा। तो इस चीज को समझे, इस दुनिया की एक और दुनिया बस चुकी है, वो दुनिया है सबकी अपनी पर्सनल दुनिया, जिसके कारण हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो वास्तविकता में हम करना चाहते हैं। इस चीज को ध्यान में रख लें। अगर आप अभी वो नहीं करेंगे जो आप करना चाहते हो, चाहे प्रेजेंट में आप कितने ही खुश हो, फ्यूचर में ये आपके दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण होगा। तो ट्राई करें वो करें जो आपको लगता है दिल से कि मैं कर सकता हूं और मैं ऐसे लेवल पर कर सकता हूं जिस लेवल पर कोई लेके जा नहीं पाया इसको, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जैसा कोई सोच ही नहीं पाता है। तो ट्राई करें कि दुनिया जो है, जो आपके पेरेंट्स की डिजाइन करी हुई दुनिया है, उसमें पहले सोचें इस दुनिया में कौन कौन आता है। मैं बताऊं अगर तो मैक्सिमम इंडियन पेरेंट्स की दुनिया में आते हैं इधर के तीन चार पड़ोसी शर्मा जी, वर्मा जी, और कोई और अगर उनके फ्रेंड सर्कल में कोई होता है तो वो, और आपके 4-5 रिलेटिव्स, वो हो गई दुनिया। उस दुनिया के चक्कर में, उन 25 लोगों के चक्कर में, उन 30 लोगों के चक्कर में आप उस 8 अरब वाली दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। गलत बात है कि नहीं है, भगवान क्या सोचता होगा। तो इस चीज को समझें। हर वो बच्चा जो इस समय प्रेशर में है, हर वो बच्चा जो ये सोच रहा है, अगर उसको वास्तविकता में अंदर से लगता है कि हाँ मुझे कुछ बनना है और मुझे पता है मैं कुछ बन सकता हूं, तो प्लीज टेंशन ना ले। ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो इमेच्योर्ड हैं, जो इरेस्पॉन्सिबल हैं, जो कुछ नहीं कर पाए और अभी वो केवल इसको सुनकर के प्रोटेस्ट करने चल जाए, तो ऐसा ना करें प्लीज। केवल इस चीज को ध्यान में रखें, जो मैं सोच रहा हूं अगर मुझे उसमें 100% विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, और आपने पास्ट में भी ऐसी बहुत सारी चीजों को किया है जो आपको लगता है
अगर भी आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज 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 प्रोटेस्ट करें, वहां इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई इंसान मेरे को बता दे जो सक्सेसफुल हुआ हो और उसके पेरेंट्स ने उसको ये ना बोला हो कि नहीं तू बेटा नहीं कर सकता। होता है बहुत बार। अमिताभ बच्चन के घर पे शुरू से उनको लगता था हरिवंश राय बच्चन सर को कि मेरा बच्चा कभी अच्छा एक्टर नहीं बन पाएगा। क्या वो अच्छा एक्टर नहीं है? महानायक है? नायक नहीं, महानायक है। धोनी के फादर को भी विश्वास नहीं था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनको अंदर से पता था उनको उस दुनिया से कोई मतलब नहीं था। हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूं उसको प्लीज प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ सक्सेसफुल पीपल से रिलेट करें। आप सचिन तेंदुलकर के फादर भी स्टार्टिंग में यही चाहते थे कि मेरा बच्चा क्रिकेट में ना जाए, पर वो गए और देखो भारत रत्न बन गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने उस पेरेंट्स की उस उन रिलेटिव्स के दुनिया के बारे में नहीं सोचा, असली दुनिया के बारे में सोचा। तो अगर आप वास्तविकता में कोई बड़ा सपना लेकर के चलते हैं तो प्लीज गाइस असली दुनिया के बारे में सोचें। उन 25-30 लोगों को अगर आपने खुश कर भी दिया तो क्या गारंटी है कि आप खुश रहेंगे, और क्या गारंटी है कि वो इससे खुश हो जाएंगे, वो कल को आपको कठपुतली बना देंगे कि ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। ऐसा नहीं करना है। कुछ बड़ा करना है तो हमें इस चीज को सोचना पड़ेगा, मुझे दोनों दुनियाओं के बारे में सोचना है। पहले मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ सोचूंगा, अगर वो कुछ गलत कह रहे हैं तो मैं दुनिया के बारे में कुछ करूंगा, असली दुनिया के बारे में, उसको देख करके मेरे पेरेंट्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे, अपने आप सोचने लग जाएंगे मेरा बच्चा सही था। पेरेंट्स को, रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स को गलत प्रूव करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स को गलत प्रूव करके कुछ बन जाते हो, कुछ बड़ा बन जाते हो और आपके पेरेंट्स को लगता है मैं गलत था यार मेरा बच्चा कुछ बन गया, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो दोस्तों ट्राई करें कि प्लीज असली दुनिया के लिए कुछ बने। भगवान ने हमें जो दुनिया बना करके दी है वो एग्जांपल है कि इस पूरी दुनिया के लिए कुछ करो। प्लीज उन लोगों के चक्कर में जो आप सपने लेने लेकर के जिंदा रहना चाहते हो, जो कुछ करना चाहते हो दुनिया के लिए, उसके लिए प्लीज 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 शांत ना बैठें, गिव अप ना करें, क्विट ना करें। आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है, और उसके लिए सबसे बड़ा जो जुनून आपके अंदर होना चाहिए वो यही होना चाहिए, मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है। ये 4-5 लोग या 15 लोग या 20 लोग अगर मेरे बारे में कुछ कहते हैं कोई मतलब नहीं है, पर मैं करके दिखाऊंगा। जब मैं असली दुनिया में कुछ बन गया तो ये छोटे बहुत 25-30 लोग भी मुझे मान जाएंगे। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए, कितने लोग आपको जानते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, कितने लोग आपको मानते हैं इससे मतलब है। अगर आप चाहते हैं लोग आपको जाने नहीं माने तो प्लीज असली दुनिया के बारे में कुछ करें। टिल देन बाय बाय, वी विल डायरेक्टली मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक का बटन भी दबा दें, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दें ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपके पास अपडेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।